छोड़ करो, मैं कई दिनों से YouTube पे नहीं था ना, तो फिर भी वीडियोस मैं बना रहा था, जैसे TikTok के लिए, Instagram के लिए, तो मैं कई बार वाओ डोनट्स वो गिव यू टेटा जुबलिन ओके आई यू लव टेटा जुबलिन ये तो यम्मी Chocolate. You share with me, huh? But it's not yummy. It's not yummy chocolate. Okay. I think I'm happy. Hello everyone. क्या हाल चाल? तो यार बड़े दिनों के बाद आज ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अपने यार बहुत सारे भाई मुझे मैसेज कर रहे थे कि यार क्यों नहीं ब्लॉग डाल रहे हो, जैसा कैसा जहाँ पे भी हो, जिस भी हालत में हो, जैसा कैसा बना सकते हो, लेकिन ब्लॉग बनाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उपी गरेवा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखते ही देखते जो अपना लास्ट ईयर है वो भी निकल गया और ये वाला साल आ चुका है, और मुझे लगता है कि ये भी कुछ सही नहीं जाएगा, बस इसी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे लगता था कि इस वाले साल में मतलब ये कोरोना वरोना सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, लेकिन वही हालात हैं यार, फिर से दोबारा से वही चीज़ें शुरू कर दी गई हैं यहाँ पर। क्या बताऊँ यार, कैसे एक्सप्लेन करूँ। वैसे तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि मतलब जो नया ऐलान यहाँ पे कर दिया गया था ना, तो उसे और ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सख्त किया जा रहा है, जैसे वो जो अपने इंजेक्शन लगे थे उसके कार्ड देखना, अगर किसी के पास नहीं है, जिसने इंजेक्शन नहीं लगाया उसकी टिकट काट दी जाती है, उससे मतलब फ़ाइन कर दिया जाता है ना, तो ये सारा ड्रामा स्टार्ट हो चुका है इस वाले साल में। और भी छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब बंद की गई थी, तो मतलब पिछले साल में तो ऐसा लगता था कि सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़े टाइम में मतलब सारा कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन अभी के लिए बड़े हालात जो है ना वो सख्त किए जा रहे हैं। हर वक्त वो कार्ड जेब में रखना पड़ता है, कभी भूल जाओ, कहीं दूर निकल जाओ, वहाँ पर कोई बरंगाई वाला आपको चेक करे तो फिर आपके फ़ाइन डाल सकते हैं ना, अगर कभी भूल जाओ तो। भूल तो मैं जाता ही हूँ यार, ये हालात है, कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत चीज़ें हैं अभी। बाकी ब्लॉग ना बनाने का रीज़न तो मेरा काम था, क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी था और उस चक्कर में मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, फिर उसको मतलब एडिट वगैरह करने का ना, ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से मैं मतलब ऐसे सैड हो गया था वो ये था कि ये जो मेरा कैमरा है ना जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये ना बीच बीच में जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्लिप जो है ना ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, जब बनता नहीं है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग बनाया है अभी भी इसी कैमरा में पड़ा है, वो अभी तक मैंने एडिट नहीं किया। एडिट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें से कुछ फुटेज जो मैंने बनाई थी वो बनी नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत ध्यान से बनाई थी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना तो वो आवाज़ जब आती है वीडियो स्टार्टिंग की और बंद की, वो हर जगह पर मैं नोटिस करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कई सारे क्लिप जो हैं वो उस ब्लॉग के वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि वो पुराने ब्लॉग को एडिट करूं या ना, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा निराश था। और वो ब्लॉग भी पड़ा है, देखता हूं शायद इसके बाद मैं उसे भी एडिट करूंगा। तो ये दो रीज़न की वजह से ना कई दिनों से मूड नहीं बन रहा था ब्लॉग बनाने का, और ज़्यादा मतलब जो रीज़न था वो मेरा काम ही था, मैं काम में बिज़ी था इसलिए मौका नहीं मिल रहा था कहीं बाहर निकलने का वीडियो बनाने का ना, तो घर में भी जैसे मैं अभी हूँ घर में भी ज़्यादा मैं रहा नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो ये एक रीज़न था। तो अभी जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी ख़राब चल रही है, क्योंकि जो कैटरिंग का काम था उसका भी काम सही नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे जो मॉल पहले 10 बजे तक बंद होते थे अभी 7 बजे तक कर दिया गया है टाइम, मतलब 7 बजे मॉल बंद कर दिए जाते हैं। तो उस चक्कर में जैसे दो लड़कियाँ एक स्टॉल पर काम कर रही हैं ना, तो उनका एक कर दिया है, एक की छुट्टी एक करेगी, फिर दूसरे दिन दूसरी की छुट्टी, फिर वो पहली वाली करेगी, सिस्टम मतलब हिल गया है फिर दोबारा से लोगों का। और सिर्फ हम कतरीन के साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के सिचुएशन जो है वो इस तरह से हो गई है जब से ये दोबारा से मतलब ऐलान किया गया ना कि मतलब बच्चे बाहर नहीं जा सकते, बूढ़े लोग मतलब जा नहीं सकते मॉल वगैरह में, पूल वगैरह कई चीज़ें बंद भी हैं अभी। तो ये सिचुएशन है ना, कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे करूं, बहुत चीज़ें हैं बताने वाली तुम लोगों को। चलो तो इधर उधर की बातें छोड़ो, मैं आप लोगों को है ना वहाँ लेके चलता हूँ मार्केट में,
कई दिनों से तुम लोगों को मार्केट व्यू नहीं दिखाया, हो सकता है कि तुम लोगों में से कोई बंदा मिस भी कर रहा हो मार्केट व्यू। चलो लेके चलता हूँ। यस वी गो मार्केट, यू स्टे हियर एकन इन द होम। आसामा ओके। तो यार बात ऐसी है कि जो वीडियो है ना, वीडियो बनाने का मुझे शौक है। जैसे सपोज करो मैं कई दिनों से YouTube पे नहीं था ना, तो फिर भी वीडियोस मैं बना रहा था, जैसे TikTok के लिए, Instagram के लिए। तो मैं कई बार अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि मुझे Instagram पे फॉलो कर लो या मेरी Facebook पेज को लाइक कर लो, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही TikTok स्टार्ट किया है। तो जो लोग इंडिया से हैं वो तो शायद नहीं चला सकते टिकटॉक, लेकिन जो इंडिया से बाहर के हैं ओके, लेकिन जो लोग इंडिया से बाहर से हैं ना, तो वो मेरे टिकटॉक को भी फॉलो कर लेना। तो उस पर भी मतलब मैं एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। तो अगर यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो तो टिकटॉक के ऊपर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, वीडियोस वगैरह। मतलब क्योंकि ये मेरा शौक है, तो अगर यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं पे तो एक्टिव हूँ। तो मेरे सभी सोशल मीडिया जो है ना, उनको फॉलो कर लो तो अच्छी बात है। तो उससे क्या है कि हम लोगों का कनेक्शन बना रहेगा। तो आजकल टिकटॉक बनने की कोशिश चल रही है मेरी। टिकटॉक के ऊपर मैंने कई वीडियोस वैसे बनाई है, और टिकटॉक के ऊपर आए हुए मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, और तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों ने मुझे फॉलो कर लिया है अभी तक। तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में और लोग जुड़ेंगे, और तुम लोगों में से भी जो लोग टिकटॉक चलाते हैं, किसी अदर कंट्री में रहते हो, वो भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। अभी के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ अपने पास वाली मार्केट में, और यहाँ से मुझे कुछ सब्जियाँ वगैरह खरीदनी है। और आज सिर्फ मैंने अपनी दुकान ओपन नहीं किया सुबह से लेके अभी तक, तो इसलिए ब्लॉग जो है वो बन गया। क्योंकि अगर एक बार दुकान पे चला जाता हूँ ना, तो फिर निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक मैंने किसी लड़की को रखा नहीं है काम पे, तो मैं खुद ही होता हूँ वहाँ पे, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी ये जो दोबारा से लॉकडाउन वाला सीन हुआ है ना, इससे काम के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा है लोगों के। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो काम धंधा जिनका सही चल रहा था, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाए थे अभी तक, तो उनको मतलब काम पे जाने की परमिशन नहीं है। तो उसके उदाहरण तो हमारे घर में भी है। चलो बाद में बात करता हूँ, पहले ये मैं अपने स्टोर वाली साइड में आया हूँ अभी। तो ये है अपना स्टोर, आज हमने बंद कर रखा है वो अपना बड़ा स्टॉल। और ये हम लोग यहाँ पे ये भी देते हैं अपना, जो इंडिया में होते ना शुगर के गन्ने का रस, ये भी हमने स्टार्ट किया है, और वो भी है, लेकिन आज हमने बंद किया हुआ है। वैसे गन्ने के रस वाले तो अभी भी आ रहे हैं, पी के जा रहे हैं। चला जा, चलो अभी लेके चलता हूँ तुम लोगों को वापस। ट्रैफिक देखो कितना ज्यादा है।
तो अभी एकन के पास बैलून है ना, तो वो ईसा ही रोएगी, तो मैंने सोचा उसके लिए भी एक पकड़ लेता हूँ यहाँ से बैलून। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है एक नया दिन, ये रही कैथरीन और एकन। एकन हाय। तो यहाँ पे यार लाइट कम है इसलिए ना वो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। इसे हाय। इसकी हाय सुन लो। कैथरीन हाय टू एवरीवन। हाय गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। तो अभी अभी पिछले पार्ट में तुम लोगों ने देखा कि कल मैंने दुकान ओपन जो नहीं की थी, तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टोर पे और बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे ना मेरे भी कुछ प्लान ख़राब हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है यार इन दिनों में, मतलब जो पिछले दिन बीत के गए हैं। बेशक मैंने ब्लॉग नहीं बनाया लेकिन ऑफकोर्स ज़िंदगी तो चल ही रही है ना, कुछ ना कुछ तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं ज़िंदगी में, तो बातें बहुत है करने को। मैं सोच रहा हूँ कि अगले ब्लॉग से मैं कोशिश करूँगा कि यार लगातार ब्लॉग भी बनाता रहूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लग गई हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो में बाय।